गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास फाइव में पेज नंबर 11 में दिए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो आइए देखते हैं पेज नंबर 11 में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। मैंने आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन की आपको एक्चुअल डिफरेंस और नियरेस्ट 10 निकाल कर डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को यहाँ राइट कर लेंगे। ये हमारा पेज नंबर 11 का है, पेज नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लास फाइव का है, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में ये चैप्टर नंबर 1 का है। देखिए हमको नंबर दिया हुआ है, नंबर है हमारा, एक तरफ नंबर राइट कर लेंगे, एक तरफ नियरेस्ट 10 राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, नियरेस्ट 10, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम नंबर है हमारे पास 58 एंड 43, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका अगर हम नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो आप देखेंगे जब भी हम 10 निकालते हैं तब हम वंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस पे देखिए यहाँ पर 8 है, ये जो 8 है वो आपका क्या है, देखिए ये जो 8 है ये आपका नीचे के चार्ट में आता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से हम चार्ट डिज़ाइन करते थे, 1, 2, 3 एंड 4, हियर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो 5, ये जो 8 है वो आपका इधर आ रहा है, देखिए नीचे वाले नंबर में आ रहा है। तो टेंस के प्लेस में हम क्या करेंगे, टेंस के प्लेस में जो नंबर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 6 और 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए यदि हम इस नंबर का नियरेस्ट 10 बनाएं तो यहाँ पे 3 है, 3 आपका देखिए ऊपर का साइड में आ रहा है, तो इसके नियरेस्ट टेंस वाले प्लेस वाले नंबर में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसका एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे, एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा देखिएगा, आप देखेंगे 5, 8, 4 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 लेफ्ट होगा स्टूडेंट्स, और 5 पे 4 को करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 1 जो है वो लेफ्ट होगा स्टूडेंट्स। इस 15 का अगर हम नियरेस्ट निकालेंगे तो 20 आएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए हम यहाँ निकालेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस, देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, ये 60 है हमारे पास और सेकेंड नंबर से हमारे पास 40 है, तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका 0 ही हो गया, और 6 में हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 लेफ्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके एक्चुअल डिफरेंस एवं एस्टिमेटेड डिफरेंस 2 नंबर्स का। ऐसे ही आपको 3 नंबर्स का दिया होगा, आपको नहीं बनाएंगे, ऐसे ही आपको 4 नंबर्स का दिया होगा, किसी में आपको नियरेस्ट टेंस पूछा है, किसी क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट 100 पूछेगा, किसी क्वेश्चन में आपको नियरेस्ट 1000 पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।